वेलकम टू माई चैनल देसी कुक। आज हम बनाएंगे हलीम मटन खीमे के साथ। आप कई तरीके के हलीम देखे होंगे, मगर इस तरह की हलीम हमने जो बनाई है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है। एक बार आप इस तरह की हलीम ज़रूर ट्राई करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे एक चम्मच मूंग दाल, एक चम्मच तुअर दाल, एक चम्मच मसूर दाल, एक चम्मच चना दाल, दो चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच चावल। अब हम ले लेंगे एक कप रवा। इस तरह का रवा आपको कोई भी किराना स्टोर में मिल जाएगा इजीली। ये वीट रवा है। अब हम रवे को वॉश कर लेंगे और इसको भीगने के लिए 2 घंटे रख देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप इसको हल्का सा भून लेंगे तो हलीम में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है। अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसको वॉश कर लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे। जब तक ये भीगते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। एक कुकर ले लेंगे, फिर हम मटन खीमा ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 kg मटन खीमा लिया है। ये सारे खीमे को हम कुकर में डाल देंगे इस तरह से। फिर अब हम इसमें डाल देंगे 7 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप पानी। अब हम इसको पका लेंगे 2 सीटी आने तक। 2 सीटी हो चुकी है, चलिए इसे हम चेक कर लेंगे। खीमा अच्छे से गल चुका है, इसको साइड में रख देंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। एक कुकर ले लेंगे, जो हमने भीगने के लिए वीट रवा रखा था और दालें रखी थी हम उसको डाल लेंगे। फिर अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 कप पानी। हमें इसे 2 सीटी आने तक पका लेना है। 2 सीटी हो चुके हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको हम इस तरह से घोट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से घोटेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी सी इलायची, थोड़े से काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा शाजीरा और लौंग। हम इसे 1 मिनट भून लेंगे। फिर हमने जो प्रेशर कुक कर लिया था खीमा, वो खीमा ले लेंगे और इसको आधे खीमे को इसमें डाल देंगे, आधे को रख देंगे, बाद में यूज़ कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसे 1 मिनट भून लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको और 1 से 2 मिनट भून लेंगे, पानी सूखने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब ये स्टेज पे हम पानी डाल लेंगे। अब हम एक छोटा सा बोल ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा शोरबा निकाल लेंगे इस तरह से। जो ऑथेंटिक हलीम होती है उसमें इस तरह से ही शोरबा निकाला जाता है और इस शोरबे को हम सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे। इसको साइड में रख देते हैं और इसका नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। जो हमने पेस्ट घोट लिया था हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से सारे पेस्ट को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को डालने के बाद हम इसे अच्छे से 15 से 20 मिनट पका लेंगे। इसको कंटिन्यूसली मिलाते रहेंगे ताकि ये बर्तन को चिपके नहीं। हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक कि हलीम वाली कंसिस्टेंसी अच्छी ना आ जाए। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस। फिर अब हम इसमें डाल देंगे डीप फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज। इसको डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट इसे और पका लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी आने के बाद हम आंच को धीमी कर देंगे। फिर डाल देंगे 1 चम्मच घी। ये बिल्कुल तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। इसका लास्ट प्रोसेस कर लेंगे, हम खीमा बना लेंगे। थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद हम खीमे को फ्राई कर लेंगे, जो हमने प्रेशर कुक कर लिया था और आधा जो खीमा हमने बचा कर रख लिया था। इस तरह से सारे खीमे को डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। खीमे को हमने ऑलरेडी प्रेशर कुक कर लिया है तो इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाता है। 1 मिनट इस तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मटन मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी
आंच को धीमी कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, 4 से 5 मिनट लगेंगे और खीमा रेडी हो जाएगा। अच्छे से तेल छूट चुका है, खीमा अच्छे से रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है, चलिए खीमा हलीम सर्व कर लेंगे। एक बोल ले लेंगे और इसमें हलीम को डाल लेंगे। अब हम इस पे डाल देंगे शोरबा जो हमने निकाल लिया था, वो वाले शोरबे को हम इस तरह से डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब जब भी हलीम बनाए शोरबे को ज़रूर निकालें और सर्विंग के टाइम इसे यूज़ करें। फिर अब हम इस पे डाल देंगे तला हुआ खीमा, फिर डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, फिर अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ी सी डीप फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज, फिर अब हम इसमें डाल देंगे फ्राइड काजू बादाम। खीमा हलीम बनकर बिल्कुल तैयार है, दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है खीमा हलीम। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि खीमा हलीम कैसी बनी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है, हलीम का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, साथ ही साथ खीमे का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की खीमा हलीम वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको खीमा हलीम वाली रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं।